सब कुछ ट्राई करने के बावजूद बालों का टूटना झड़ना बंद नहीं हुआ। अब सब कुछ ट्राई कर ही लिया है तो एक बार ये भी ट्राई कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑयल, और इस ऑयल को बनाने का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी के सीड्स। कलौंजी के सीड्स चाहे आप कंज्यूम करते हैं या टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। कलौंजी के सीड्स को अगर आप अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बालों का टूटना झड़ना या डैंड्रफ की प्रॉब्लम, या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा इची रहता है, आपको बिना किसी वजह से अपने स्कैल्प में खारिश रहती है या हेयर ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गई है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी कलौंजी के सीड्स सॉल्व कर सकती हैं। इस तेल को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हैं कलौंजी के सीड्स। कलौंजी के सीड्स आपको आसपास मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है। मैं बहुत सारी वीडियोज में मेथी दाना के बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है तेल। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑलिव ऑयल मैं पिछले 10 से 15 सालों से यूज कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इस ऑयल के लिए। मुझे पता है कि इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बट आप चाहें तो कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हम देख चुके हैं कि हमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। अब देखते हैं इस तेल को हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस तेल को बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 50 ग्राम कलौंजी के सीड्स। अगर आपको ज़्यादा तेल बनाना है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम बनाना है तो आप कम इस्तेमाल करें। इसके बाद हम कलौंजी के सीड्स को डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जार में और इन्हें ग्राइंड करेंगे। हमें इन्हें तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि इनका फाइन पाउडर नहीं बन जाता। ये देखिए, कलौंजी की सीड्स का आपको इस तरह से पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है मेथी दाना। मेथी दाना भी मैं 50 ग्राम ही यूज़ कर रही हूँ और मेथी दाना को भी हमें ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। तो मेथी दाना का पाउडर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है ऑयल। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल और मैं 1/2 लीटर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके तेल को 3 से 4 मिनट तक गर्म होने दें। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम होना चाहिए ताकि तेल जले ना। हमें तेल को जलाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। 4 मिनट के बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे कलौंजी के सीड्स का पाउडर और मेथी दाना का पाउडर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रहने दें। 4 मिनट के बाद गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद एक कांच का कंटेनर ले लें और तेल को इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो आप कांच की बॉटल में भी इस तेल को स्टोर करके रख सकती हैं। चाहे आप बॉटल इस्तेमाल करें या कंटेनर इस्तेमाल करें, बट मेक श्योर कि वो कांच के हों। क्यों? क्योंकि तेल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। हमें इसे 4 से 5 दिनों तक सनलाइट में रखना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं, सभी मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस तेल को आपको छानना नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं वो सारे आपको कंटेनर या बॉटल में ट्रांसफ़र करने हैं। और इस तेल को ना सिर्फ आप अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकती हैं बल्कि अपनी स्किन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये बालों से रिलेटेड तो सभी समस्याओं को सॉल्व करता ही है और स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। अब इस तेल को 5 से 6 दिनों तक लगातार सनलाइट में रहने दें। जिस तरह से हम पिकल्स को रखते हैं, दिन में इसे सनलाइट में रखें और शाम को जब धूप नहीं होगी तो इसे अंदर ले आएं और इसी प्रोसेस को 5 से 6 दिनों तक रिपीट करें। बट अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आपको क्या करना है, एक कढ़ाई या पैन में पानी गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें और इस तेल को गर्म पानी में थोड़ी देर तक रहने दें।
और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तेल को गर्म पानी में रख लिया और आपका तेल रेडी हो गया। आपको 6 से 7 दिनों तक लगातार तेल को थोड़ी थोड़ी देर तक गर्म पानी में रखना है। और ये आपको कब करना है? अगर आपके घर में धूप नहीं आती है। अगर आपके घर में धूप आती है तब तो आपको इसे 5 से 6 दिनों तक धूप में ही रखना है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप तेल को तैयार कर सकती हैं और 5 से 6 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो तेल है उसका कलर हल्का ग्रे हो चुका है। तो समझ जाइए कि आपका तेल तैयार हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। आप चाहें कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें या सिंपल ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, बट तेल को अप्लाई करने से पहले अगर आप उसे हल्का गर्म करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट तेल को आपको डायरेक्टली गर्म नहीं करना होता है, ऐसा करने से तेल जल जाता है और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी खूबियाँ हैं, वो आपकी स्कैल्प तक, आपके बालों तक पहुँचने से पहले ही जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको तेल को डबल बॉयलर की प्रोसेस से गर्म करना है। अब आप पूछोगे कि ये डबल बॉयलर प्रोसेस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉयलर प्रोसेस। इसमें आपको करना क्या होता है, पानी को थोड़ा सा गर्म करना होता है और जब पानी गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें और तेल की कटोरी को इस गर्म पानी में थोड़ी देर तक रहने दें। जब आप हल्का गर्म तेल अपने स्कैल्प पर, अपने बालों पर इस्तेमाल करती हैं तो स्कैल्प इसे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलती हैं। तेल को अपने बालों पर अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लें और फिर इसे अपने स्कैल्प पर और अपनी पूरी लेंथ पर अप्लाई करें। तेल को स्कैल्प पर अप्लाई करने के बाद स्कैल्प की 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लें ताकि आपका स्कैल्प इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। बट अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं तब आपको 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प की मसाज नहीं करनी है। आपको हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पर और अपने बालों पर तेल अप्लाई करना है और एज इट इज़ छोड़ देना है। आप इस तेल को एटलीस्ट 2 घंटों तक अपने बालों पर लगा रहने दें। आप चाहें तो इसे पूरा दिन भी अपने बालों पर लगा रहने दे सकती हैं या रात को सोने से पहले भी आप इसे लगा करके सो सकती हैं। बट अगर आप तेल को पूरी रात अपने बालों पर लगाने में कंफर्टेबल नहीं हैं या पूरा दिन आप तेल को बालों पर नहीं लगा सकती हैं तो एटलीस्ट 2 घंटों तक इसे अपने बालों पर लगा रहने दें और बाल धोने के लिए किसी भी पैराबन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं तो आप इस तेल को हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर अप्लाई करें। आपके बालों की टूटने झड़ने की समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और साथ ही अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है या आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है या आपके बाल बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, आपके बालों की शाइन बिल्कुल गायब हो चुकी है, तो इस तेल को लगाने से ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा। अगर लगा तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।